नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के बारे में। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग से लेकर गांव की सरकार बनाने वाले मतदाता भी अब मतदान के लिए लगभग चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही पंचायत में चुनाव को लेकर माहौल गर्मा जाएगा। आपको बता दें कि अभी से ही पंचायत चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। गांव के चौक चौराहों पर हर तरफ पंचायत चुनाव को लेकर ही चर्चा हो रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें चुनाव के तारीखों पर टिकी हुई है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर खुफिया विभाग ने जिला व पुलिस प्रशासन को पहले ही आगाह कर दिया है। इसको लेकर स्पेशल ब्रांच सहित अन्य खुफिया एजेंसियों ने पदाधिकारियों को कई मार्गदर्शन भी दिए हैं। इसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव में काफी संख्या में असामाजिक तत्वों के भाग लेने को लेकर संभावना जताई गई है। ऐसे में जिले के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की भी जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदारों को भी हमेशा सक्रिय रहने और उनके सूचनाओं के आदान प्रदान करने पर भी जोर देने की बात कही गई है। इसके साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि गांव में नियमित गश्ती को करने को कहा गया है ताकि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर आसानी से निगरानी रखा जा सके। खुफिया विभाग की तरफ से जारी इस पत्र में यह भी कहा गया है कि जिले के पंचायत चुनाव से पहले मुखिया और सरपंच की भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। खुफिया विभाग ने कहा है कि चुनाव से पहले जिले में माफिया और आपराधिक एक्टिविटी हो रहे हैं, जिसके कारण मुखिया और सरपंच से जुड़ा केस थाने में पहुंचने लगा है। खासकर भावी उम्मीदवारों को लेकर ज्यादा परेशानी बढ़ी है। खुफिया विभाग की तरफ से जारी लेटर के बाद से पुलिस महकमे में एक तरह से कहें हड़कंप मचा हुआ है। खुफिया विभाग ने यह भी कहा है कि पंचायत चुनाव से पहले शराब माफिया भी जिले में कई इलाकों में सक्रिय होने लगे हैं। खास करके यह कहा गया है कि शराब माफिया पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वे अपने कद के हिसाब से जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक का चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा गया है कि गाँव में शराब माफिया जिस तरह से होम डिलीवरी करवा रहे हैं, वे पंचायत चुनाव में मतदाताओं को भी भड़का सकते हैं। ऐसे में भावी प्रत्याशियों के मन में एक तरह से भय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खुफिया विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को दिए अपने सलाह में यह कहा गया है कि पड़ोसी राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश से शराब की खेप सारण में आ रही है, के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए शराब का उपयोग किया जा सकता है, इसकी संभावना भी जताई जा रही है। खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक किस्म के उम्मीदवार कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव इस साल के शुरुआती महीने में होने थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनाव को टाल दिया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने लगा तो परामर्शी समिति का गठन कर उसके कार्यकाल में 6 महीने की वृद्धि कर दी गई। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि आयोग लगातार चुनाव लेकर एक्टिव दिख रहा है। हम सभी को पंचायत चुनाव के तारीखों का इंतजार है। तो ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग भी जो है एक्शन में है कि पंचायत चुनाव के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। पंचायत से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।